इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट जो मैप वर्क हैं उसे देखेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम में लास्ट 3 ईयर के हमने लिए हैं और 15 और 16 17 के केवल एक एक सेट लिया गया है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा 19 और 20 में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो पाया था तो हम नहीं ले पाए, लेकिन हमने चारों ईयर अभी 2021 के होने वाले हैं वो फ़िलहाल नहीं लिए गए हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो हम कैसे ले लें। हमारे पास 15, 16, 17, 18 ज्योग्राफी क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट मैप वर्क के पूरे प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं। इसके अलावा CBSE ने जो लिस्ट दी थी वो लगभग बदलती रहती है हर साल, तो आपको गूगल में देखना होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो पहला है दिल्ली, आप आसानी से जानते होंगे दिल्ली, असम और मयूरभंज। केरला की जो कैपिटल है वो है थिरुवनंतपुरम, ये भी इम्पोर्टेंट है। भद्रावती और मयूरभंज, भद्रावती कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा, इसी का पुराना नाम था उत्कल, बहुत बार इसका तो नाम बदला गया। मयूरभंज, भद्रावती, कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये 2017 का है ऑल इंडिया का, तो इसमें है गांधीनगर। हिस्ट्री में भी मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बताया था कि ये हिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस में भी इम्पॉर्टेंट है और ज्योग्राफी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गांधीनगर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, थिरुवनंतपुरम, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको कैपिटल याद ही होनी चाहिए स्टेट्स की, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो हमने हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था, यहाँ पे सबसे नीचे है खेड़ा, देन उसके ऊपर है अहमदाबाद और उसके ऊपर है गांधीनगर, तो गांधीनगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बिहार के कुछ पॉइंट, देन पश्चिम बंगाल, इसका कलकत्ता, और उसके बाद तलचर, उड़ीसा। इसके पहले हमने पढ़ा मयूरभंज, वो भी उड़ीसा में ऊपर को, यहाँ पे यदि आप देखें, और देन यहाँ नीचे है तलचर, उसके नीचे है तलचर, मयूरभंज, तलचर, कहाँ पे है उड़ीसा में, मयूरभंज तलचर उड़ीसा में। इसके अलावा चेन्नई, जिसका पुराना नाम था मद्रास, चेन्नई कर्नाटक के नीचे है, यहाँ पे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के नीचे ये तमिलनाडु चेन्नई। मेनली ये जो चार राज्य हैं यहाँ पे आप देखें, ये जो चार राज्य हैं फिलहाल अब पांच हो गए हैं, 2014 में एक नया राज्य बन गया तेलंगाना, तो ये जो हैं इन चारों को मिलाकर द्रविड़ कहा जाता है। यहाँ की जो द्रविड़ भाषा से निकली हुई चार भाषाएं हैं, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। तो चेन्नई आपको याद रखना है। उसके बाद हम देख रहे हैं 2017 का जो दिल्ली का पेपर है, तो मोहाली इम्पॉर्टेंट है, जो कि है बॉर्डर पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर है मोहाली गुजरात। स्टेट्स के आपको एटलीस्ट स्टेट के नाम याद होने चाहिए, नहीं है तो आप एकदम लास्ट के हम 2 मिनट में बताएंगे, यदि आपको नाम याद है तो आप 2 मिनट लास्ट के स्किप कर सकते हैं वीडियो को, यदि नहीं है तो हमारे साथ याद भी कर सकते हैं। देन नीचे है गोवा, यहाँ पे आप यदि देखें गोवा, उसके नीचे है बेंगलुरु, मैसूर। इसमें भी आपको 3 पॉइंट याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री में ये 3 पॉइंट बताए थे, सबसे ऊपर बताया था विजयनगर, उसके नीचे हम्पी और सबसे नीचे बताया था मैसूर, लेकिन ज्योग्राफी में आपको 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है बेंगलुरु, इसका है बेंगलुरु, कैपिटल ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु, बंगला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु या बेंगलोर, और देन उसके नीचे मैसूर, बेंगलुरु,
यहाँ पे बहुत सारे आम के लिए भी फेमस है, अल्फा अनफान साम होते हैं, वो भी देखेंगे। अब हम देखेंगे 2018 ऑल इंडिया का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे। तो ये है दिल्ली, पहला है दिल्ली। असम, मयूरभंज देख सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो दो बार रिपीट हो चुका है, मयूरभंज और भद्रावती। मयूरभंज और इसके अलावा अभी हमने जो पॉइंट पढ़ा था तलचर, मयूरभंज और तलचर है उड़ीसा, मयूरभंज तलचर उड़ीसा, मयूरभंज तलचर उड़ीसा, भद्रावती कर्नाटक। अब हम देखेंगे 2019 का भूगोल का देखेंगे। 2019 में पूरे 15 पेपर मिलेंगे आपको, 15 क्वेश्चन पेपर, 15 सॉल्यूशन, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि 2019 का बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेट वन सेट टू पूरे चार सेट आए थे, चार क्वेश्चन पेपर के तीन तीन सेट हैं। अब देखिए अमृतसर, अमृतसर पंजाब, पंजाब के एकदम बॉर्डर के पास है अमृतसर, इलाहाबाद या जिसका नया नाम है प्रयागराज, मध्य प्रदेश ग्रेटर मुंबई, मुंबई के पास ही है ग्रेटर मुंबई, जिस तरह जो न्यू दिल्ली थी वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नोएडा की स्थापना की गई, क्योंकि जो बहुत जो भी जाता था उत्तर प्रदेश से वो जाके दिल्ली में बस जाता था यमुना नदी के उस तरफ, इसलिए यमुना नदी के इसी तरफ यूपी तरफ नोएडा बना दिया गया, जिससे कि जो भी डेवलप एरिया में जाना चाहे तो वो नोएडा में रुक सकता। इसी प्रकार मुंबई के साथ भी यही हुआ है, मैं ये कहानियाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देन मुंबई के पास ही है ग्रेटर मुंबई, यहाँ पे भी कुछ यही था इसलिए ग्रेटर मुंबई। राउरकेला, राउरकेला तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है राउरकेला। उड़ीसा के हमें तीनों पॉइंट रिवाइज करेंगे, हमें याद भी करते जा रहे हैं साथ में, यहाँ पे है मयूरभंज राउरकेला, मयूरभंज राउरकेला, मयूरभंज रायलकेला और भद्रावती, यहाँ पे हमने कर्नाटक के पास देखा था। हम नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश मोहाली, हिमाचल प्रदेश मोहाली, देन कोडला, महाराष्ट्र कोलकाता, चेन्नई जिसका पुराना नाम था मद्रास, और यहाँ बेंगलुरु है, कहाँ पे कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल क्या है बेंगलुरु, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, देन गुजरात, बेलाडीला छत्तीसगढ़, बेलाडीला छत्तीसगढ़, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका बेंगलुरु, कर्नाटका बेंगलुरु, कर्नाटका बेंगलुरु। यहाँ पे तीन पॉइंट याद रखना, एक है दुर्ग दुर्गा, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, और नीचे उसके बस्तर, तो तीन पॉइंट आपको याद रखना। अब हम देखते हैं और आगे पेपर, 2019 के ही पूरे 15 सेटों को हमें देखना है, तीन सेट हैं हर। देन कांडला, ये सेज एरिया था जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने यहाँ पे सेज की स्थापना की थी, अभी तो प्रधानमंत्री हैं लेकिन जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पे सेज बनाया था कि यहाँ पे हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, कोई भी इंडस्ट्रीज आकर यहाँ पे इस्टेब्लिश करें, इस्टेब्लिश हो, और लेकिन उस सामान को बाहर बेचें, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में आए यहाँ पे आई थी और इसका डेवलपमेंट हुआ था। रीज़न ये था कि यहाँ पे कराची था एक बहुत बड़ा, लेकिन आज़ादी के बाद कराची पाकिस्तान में चला गया था, तो यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे कोलकाता है, नीचे चेन्नई है, इस तरफ के लिए कोई नहीं था, इसलिए यहाँ पे कांडला बनाया गया, कांडला बंदरगाह की स्थापना की। देन मुंबई CLT, हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना, कर्नाटक भद्रापति, कोरापुट, कोरापुट उड़ीसा, नेक्स्ट है इलाहाबाद, प्रयागराज देख लिया, राउरकेला देख लिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अमृतसर पंजाब में,
ग्रेटर मुंबई, मुंबई के पास है महाराष्ट्र में। कोच्चि, कोच्चि केरला, कोच्चि केरला, इसी के नीचे हम, इससे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, एक हो गया कोच्चि और नीचे कैपिटल ऑफ केरला थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम। अब वर्ल्ड मैप देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड मैप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम वर्ल्ड मैप भी देखेंगे। तो उत्तर यूरेशिया जो रूस का वह भाग जो एशिया में आता है उसको कहते हैं, रूस का जो भी हिस्सा है वो जो एशिया में आता है उसको कहते हैं यूरेशिया, उसको कहते हैं यूरेशिया, उत्तर यूरेशिया। मतलब इस पूरे, उसको आप कंफ्यूज मत होना, इस पूरे एशिया और यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया बनता है, लेकिन इसके अलावा भी ये जो वह पार्ट रूस का जो एशिया में आता है उसको कहेंगे यूरेशिया। यहाँ पे आप नॉर्थ एरिया देखिए यूरेशिया का, यहाँ पे जितना भी एशिया में आ रहा है केवल हम उसी को लेंगे, यहाँ से डिवाइड होता है। तो ये है उत्तर यूरेशिया, नॉर्थ यूरेशिया, देन यहाँ पे मिलेगा पार्थ, इकोनॉमिक जोन की तरह है ये, इकोनॉमिक कैपिटल की तरह है ऑस्ट्रेलिया की पार्थ। देन अल्जीरिया, अफ्रीका का एक सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, 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 मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद भी होते जाए। सेंटियागो, सेंटियागो है चिली में। पूरी दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है, तो वो है चिली, यहाँ पे देखिए सबसे लंबी में ये, और सबसे बड़ी तट रेखा तो वो है कैनेडा, यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी तट रेखा है इसके अंदर, सबसे दुनिया में सबसे बड़ी तट रेखा है कैनेडा के पास, दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा है चिली, चिली है सेंटियागो, सेंटियागो। देन न्यू ऑर्लियंस, वो है न्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में। देन सेकंड मैप देखते हैं हम वर्ल्ड का, वर्ल्ड में भी हमने 2017, 18, फिर 19 का लिया है, 16 का सबसे पहले हमने देखा था। अब देखेंगे अडन, या जिसको एडन भी बोलते हैं। देन सिडनी, इसी के नीचे है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा, सिडनी कैनबेरा, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा था अभी पार्थ। अडन, अमेजॉन बेसिन दक्षिणी, ये पूरा है अमेजॉन बेसिन, अमेजॉन बेसिन। देन ये है फ्रांस, उसके बाद है अमेरिका में शिकागो, यहीं पे स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिए थे शिकागो में। अब हम देखेंगे मेडागास्कर, मेडागास्कर ये इंडिया इसी के साथ टूटकर इस तरफ आया है, ये इंडिया और मेडागास्कर एक साथ अफ्रीका से जुड़े हुए थे लाखों साल पहले, वो अब जुड़कर लेकिन इंडिया के सक के इस तरफ आ गया है, इसलिए हिमालय का इधर निर्माण हुआ है। तो ये मेडागास्कर और इंडिया एक साथ थे पहले, तो इसको आप याद करिए मेडागास्कर, आसानी से याद हो जाए इसलिए मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ, मेडागास्कर। देन अदन, उसके बाद है रूहर, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 में हुआ था, इसमें काफ़ी घुमा घुमा कर पूछते हैं 1992 में, वह स्थान जहाँ पे 1992 में सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो आपको लिखना पड़ेगा रियो डी जेनेरो। नॉर्थ केप तो आपको पता ही होगा, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज के एकदम ऊपर है नॉर्थ केप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं,
सेंटियागो कनाडा। ये मैं जैसा कि आपको पहले ही बताया कि ये ऐसा नहीं पूछेगा कि कनाडा बताओ कहाँ पे है, तो आप आसानी से बता दो। दुनिया का सबसे बड़ी तट रेखा वाला देश बताओ, चिली में ये नहीं पूछेगा चिली कहाँ है। दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा वाला देश बताओ, या बोलेगा 1992 में सम्मेलन हुआ था इस जगह में, बताओ क्या है। यहाँ रियो डी जेनेरो। देन लीबिया, यहाँ अफ्रीका के नीचे लीबिया। सेंटियागो कनाडा। डरबन, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमने मेन तीन पॉइंट्स देखे हैं अभी तक। पहला है सबसे ऊपर डरबन, डरबन इधर पे आपने देखा पर्थ, देन यहाँ सिडनी और उसके नीचे वहाँ की कैपिटल कैनबेरा। नॉर्थ में डरबिन, पर्थ, यहाँ ये पर्थ, देन सिडनी और कैनबेरा। सिडनी कैनबेरा। नॉर्थ ये यूरेशियाई टुंड्रा, तो वो नॉर्थ एरिया में मिलेगा। ब्राज़ील न्यू ऑरेंज, ब्लाडिवोस्टक, ये आपको थोड़ा समझना होगा। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता आएगा कि ब्लाडिवोस्टक कहाँ है, या यूरोश एशिया का रूस का वह एरिया बताएं जहाँ पे उसका एरिया पतला हो जाता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह हिस्सा बताएं रूस का जिस पर चीन दावा करता है, तो वो है ब्लाडिवोस्टक। ब्लाडिवोस्टक ये है वास्तव में रूस का, यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया के ऊपर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये है रूस का। देन दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। अब चलिए हम एक एक स्टेट्स के नाम देख लेते हैं और उसकी कैपिटल। अभी 17 मिनट हो चुके हैं, हम 3 मिनट के अंदर सारे स्टेट्स के नाम देख लेंगे फटाफट। तो नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हैं यूनियन टेरिटरी 2019 के बाद के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ये जो पुराना मैप है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया मैप है, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन है। तो नॉर्थ में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है शिमला, यहाँ से लाइन से चलिए पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार असम, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश असम, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार असम। पंजाब की कैप पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, बिहार की कैपिटल है पटना जिसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र। देन राजस्थान में आएंगे हम, तो यहाँ पे है जयपुर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, या जिसको बोलते हैं बेंगलोर, बेंगलुरु या बेंगलोर, इसी के नीचे मैसूर भी है। फिलहाल तो हम कैपिटल देख रहे हैं। देन छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ये एकदम इधर पास है तट रेखा के। देन यहाँ तट रेखा के पास है यहाँ कोलकाता। झारखंड की कैपिटल है रांची। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ चेन्नई बॉर्डर तट रेखा के पास है। तमिलनाडु की कैपिटल, देन नीचे है थिरुवनंतपुरम, वो कैपिटल है केरला की। देन शिमला आपने देख लिया। अब हम देखेंगे इधर पे सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक, गैंगटोक। उसके बाद यहाँ ऊपर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। असम की कैपिटल दिसपुर, इस तरफ जाओ दिसपुर। मेघालय की कैपिटल शिलोंग, मेघालय शिलोंग। फिर यहाँ पे आएंगे लाइन से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड मणिपुर मिजोरम, नागालैंड मणिपुर मिजोरम, नागालैंड मणिपुर मिजोरम, नागालैंड मणिपुर मिजोरम।
त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अब चलिए नागालैंड की कैपिटल यहाँ से देखते हैं, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। इम्फाल, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। आई स्पेलिंग देख लेना, आई जावल। अब देखते हैं त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग हमने देखी है। तो ये थी कैपिटल के नाम। तो आई होप आपको समझ आएगा, यही बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के जो हमने पॉइंट्स लिए हैं।